आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। आप इस ठंड के मौसम में बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये काफ़ी आसान तरीके से बनकर भी तैयार हो जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है 1/2 टीस्पून अदरक जो कि बारीक कटा हुआ हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि बारीक कटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। 2 मिनट तक फ्लेम में ही रहने देंगे और 2 मिनट तक भूनना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 2 मिनट पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जो कि फाइनली चॉप्ड है। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है 1/2 कप मटर। मटर हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 कप गाजर जो कि फाइनली चॉप्ड है। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम फ्लेम मीडियम ही रखे हुए हैं, 2 मिनट तक इसे भून लेना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे भुना चुके हैं और 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनीगर। आप चाहे तो विनीगर ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। अब यहाँ पर हम लीड लगा देते हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फ्लेम को लो कर देना है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे मैगी। मैगी यहाँ पर हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पर पहला को ऐसे ही डाल दे रहे हैं और दूसरा को हम तोड़ कर डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो पहला को भी तोड़ कर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 पैकेट टेस्ट मेकर ऐड करते रहे हैं। अब डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम में ही पकने देना है। अब यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लीड लगा देते हैं और लीड लगाने के बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम में ही रहने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारा कैसा तैयार हुआ है। तो देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैगी भी काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका। आप एक बार ज़रूर चेक कर ले कि आपको अच्छे तरीके से मैगी गला है कि नहीं। यहाँ पर हल्का सा गीला लग रहा है लेकिन जब सर्व करेंगे तो ड्राई सा हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा हल्का सा गीला था मैगी लेकिन सर्व करने के बाद यहाँ पर हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो हमारा मैगी मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो आप इसे विंटर के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तब घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।